हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कोसी मंदिर में। हमारे गांव के पास ये मंदिर और काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की खासियत है, यहां भोलेनाथ की 51 फीट की एक मूर्ति है, जो यहां के आसपास से सबसे बड़ा मंदिर है। चलो आपको मंदिर से अंदर लेके चलता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलो आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो इधर पुजारी जी के रुकने का स्थान है और यहाँ हवन होता है। आगे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, ये बजरंग बली जी की मूर्ति है और ये काली माता जी और शिव जी जी की। दोस्तों, ये है विष्णु भगवान। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी विष्णु भगवान जी की भी मूर्ति है। और यहाँ माता शेरावाली और जय माता दी। दोस्तों, इधर बाबा भैरवनाथ की मूर्ति आप देख सकते हो। अभी आपको और आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग और ये बजरंग बली जी की मूर्ति। अब दिखाते हैं दोस्तों हम आपको 51 फीट की भोलेनाथ जी की मूर्ति। आपको वहीं लेके चलते हैं, जो इस मंदिर की सबसे बड़ी इष्टतम खासियत है। आओ, आपको उधर ही लेके चलते हैं। पहले दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है भोलेनाथ की मूर्ति, 51 फीट की मूर्ति। हमारे एरिया के सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ी मूर्ति है। और आपको आगे लेके चलते हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी बड़ी भोलेनाथ जी की मूर्ति है। और इधर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और ये श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय। दोस्तों, यहाँ कोसी मंदिर मेला लगता है। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा जब मेला लगता है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ज़्यादातर कांवरों के टाइम भी यहाँ काफ़ी सुविधा रहती है। यहाँ बहुत लोग सेवा करने भी आते हैं, सुल्तानपुर पट्टी के, मुकंदपुर के, और भी काफ़ी दूर दूर से संगत आती है यहाँ सेवा के लिए भी। और बाकी यहाँ सुविधा नीचे भी है, जहाँ खाने की व्यवस्था चलती है, बाथरूम है, रुकने की जगह है, काफ़ी जगह है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।